हेलो दोस्तों, सो हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको बताने वाले यूकट वीडियो का एडिटर एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ का एप्लीकेशन है जिसका कि नाम है यूकट वीडियो एडिटर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को जानने के लिए सबसे पहले चलेंगे मोबाइल के प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ हम सर्च करेंगे यूकट वीडियो एडिटर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ जैसे सर्च किया यूकट वीडियो एडिटर, हमारा यह सर्च बार के प्ले स्टोर में आ चुका है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशंस को जो है अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, यानी कि इस वाले एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है एंड 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें से डाउनलोड्स है, और दोस्तों यह एप्लीकेशन जो है एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है जहाँ कि आप कोई सा भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ आ जाते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर, और यहाँ से जो इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, अब हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हमें यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, एक आई एग्री का ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हमें बताया जा रहा है एडिट योर फर्स्ट वीडियो। तो अगर आप एडिट करना चाहते हो कोई सा भी वीडियो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस वाले प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। जहाँ से कि दोस्तों हम प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ सारी चीज़ को अलाउ कर देने के लिए कहा जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, आप अगर फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ आपको ऑप्शन भी चूज करने के लिए मिल जाएगा, जहाँ की एक ऑप्शन है वीडियो एंड दूसरा ऑप्शन फ़ोटो एंड तीसरा ऑप्शन ऑल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ पर आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाए। तो आपको जैसे वीडियो एडिट करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें कोई सा भी वीडियो एडिट करना है, तो ये वाला वीडियो मान लेते हैं अगर हमको एडिट करना है, तो हम अगर मान ये वाला नहीं, हम ये वाला वीडियो एडिट करेंगे एंड आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से जो है हमारे मोबाइल स्क्रीन में ये वाला वीडियो ओपन हो चुका है, और ये देख लीजिए ये जो है प्ले हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसे कट कुट या इसमें से बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं, जैसा कि आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ एक ट्रिम का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड आप वीडियो को आगे पीछे या बीच से दाएं बाएं किधर से भी आप वीडियो को काट सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो काटना है, अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं अपने वीडियो में, तो आप यहां से आप म्यूजिक लगा सकते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन में दोस्तों आप फिल्टर भी यहां पे लगा सकते हैं, एंड चौथा ऑप्शन में इफेक्ट भी आप यहां पे सेट कर सकते हैं, एंड पांचवा ऑप्शन में दोस्तों आप यहां टेक्स्ट भी यहां पे सेट कर सकते हैं, जो आपको कुछ लिखना है आप लिख के यहाँ पर अपने वीडियो या फोटो में सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप स्लाइड करेंगे दोस्तों, तो स्टिकर पिप स्पीड बिग स्पीड वाले ऑप्शन पे आके आप दोस्तों आप वीडियो को स्लो मोशन भी बना सकते हैं, क्रॉप फ्लिप, ये सारी चीज़ को दोस्तों आप जो है टैप करके अच्छे से जान के एंड सारी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं इस एप्लीकेशंस की मदद से। तो दोस्तों एप्लीकेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स में दोस्तों, तो इस एप्लीकेशंस का यूज फुल काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जैसे फिर से इस वीडियो को हटा के क्लिक किया, तो हमारा जो यहाँ एक ड्राफ्ट्स में वीडियो आ गया, जिस वीडियो को अभी हमने एडिट किया था। तो दोस्तों अगर आप न्यू वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको फिर से यहाँ पर क्या वीडियो लेने के लिए कहा जाएगा, आप चाहे तो फोटो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो हम वीडियो को हटा देते हैं एक बार दोस्तों, और फिर से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें ये वाला फोटो हमें एडिट करना है, तो हम ये इस वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, अगर आपको गाना लगाना है तो आप गाना को भी सेलेक्ट कर लें एंड फिल्टर वाले पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ काफ़ी सारा फिल्टर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये देख लीजिए काफ़ी खतरनाक एप्लीकेशन से दोस्तों, जहाँ कि आप बहुत सारे फिल्टर को यूज करके एंड इस एप्लीकेशन की मदद से अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह काफ़ी ज़्यादा फिल्टर है, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी फिल्टर हम यूज नहीं करने वाले, तो हम जितना भी फिल्टर को अभी तक हम यूज किए उसे जो है हम रिमूव कर देते हैं, हम थोड़ी सी बैक हो जाते हैं। ये देख लीजिए हमारा फिल्टर जो दोस्तों इसमें से आ ही गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे और हम इस फिल्टर को जो दोस्तों हटा देंगे। ये देख लीजिए हम फिल्टर को यहाँ से हटा दिए, एंड आप बहुत सारे चीज़ को यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, और आप देख सकते हैं टेक्स्ट को हमने लिख दिया।
अगर आप इसे कलर करना चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, हम जो ब्लैक कलर कोई सा भी कलर आप यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है अपने फ़ोटो को यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर आप भी आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना भूल ही गए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड उसके बाद दोस्तों जो चीज़ हम आपको बताने वाले थे अब वो चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको जो भी वीडियो या फोटो आप एडिट करना चाहते हैं एंड आप उसे एडिट करके सेव वाले ऑप्शन पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ की सेव का ऑप्शन आएगा, तो आपको दोस्तों उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देना है एंड वीडियो को वहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।